अच्छा, और ये वाला एक किंग कॉन्ग पैरेट जो अरवाना का नाम बताओ। और आप लोग ये वीडियो में प्लीज 3K अगर कर देंगे तो सब्सक्राइबर मतलब 40K जब हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब डेली बेसिस में फार्म का वीडियो आएगा। ओके, डेली बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। ओके, पहले आता था हर रोज चिकली धीरे से सीख लिया है। इसी रूम में बहुत सारे मछली है, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा एक कमेंट से। ठीक है, शॉर्ट बॉडी टीन फाइल बबे देखिए सामने आ रहा है, जाइंट गोरामी फिश है इधर, बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, मिल्की शॉर्ट बॉडी बटरफ्लाई कोई भी है, प्लैटिनम एलिगेटर एलिगेटर का एंड लीचेरी सेनेगल देखिए। एक साथ है कैटफिश का वैरायटीज में, ये पफर फिश है, ये ज्यादा कम शांत मछली है, ये जापान में ये सब मछली को खाते हैं। योलो बैंड डुबोसी, योलो बैंड डुबोसी पफर फिश। हां, हाइडिंग प्लेस भी चाहिए, हाइडिंग प्लेस ऑब्वियसली चाहिए। अरे योलो फायरफॉक्स, योलो योलो किंग कॉन्ग पैरट है ये सामने वाला, हाई वे हाई बैक गोल्डन अरवाना। ये है प्लैटिनम रिटल कैट, ये फ्लैक्टेल है, अप्रोक्स साइज एल्बिनो नहीं, इसका अप्रोक्स साइज सर वो घर में था, वो पे दो तीन पीस था, अप्रोक्स साइज है लंग फिश का। अच्छा, छोटा पीकॉक बस का वैरायटी है, डॉलर का बहुत वैरायटी आ चुका है हम लोग का। खाना डाल दिया, ये देखिए है, इसका नाम बताओ। डॉलर है, अल्ट्रॉन्स ये सामने वाला, ये मोनोप्लस। अच्छा, और प्राइस थोड़ा बताइए लगभग। ये फ्लोरिडा का है सामने वाला, एल्विनो रेड आई अरवाना, ये सेंटा क्लॉस पैरट है ये वाला। तो सबसे पहले ये जो टैंक देख रहा है आप लोग, मछली का क्या प्राइस की मेंशन होगा? सिंकिंग एक्सेल, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ और आप लोग भी बहुत ही अच्छा होंगे दोस्तों। तो आज आ गए और एक नया वीडियो लेके मॉन्स्टर मछली का ऊपर। मॉन्स्टर फिश का बहुत सारे वैरायटी इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, बहुत सारे कलेक्शन इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे और कुछ कुछ मछली का प्राइस रेट भी मेंशन होगा। तो जनपाई जन लोकी है जो मॉन्स्टर फिश के ऊपर जो काम करते हैं कलकत्ता का अंदर में, जो मेरे को बुलाते हैं, और भी लोग काम करते हैं, मेरे को पता नहीं कौन कौन काम करते हैं, मतलब जो मेरे को ज़्यादा बुलाते हैं वो है बिस्टुदा। ठीक है, उनका साथ परिचय कर लेते हैं सबसे पहले। तो बिस्टुदा, हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवन, हर किसी को, जितना आकाश भाई के जितना सब्सक्राइबर है सबको। एंड आज बहुत कलेक्शन देखने वाला है कि आप लोग थक चुका होगा, इतना वैरायटीज का कलेक्शन आ चुका है पूजा से पहले। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वैरायटी है। अच्छा, वीडियो का तो मतलब लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बना। तो देख लेते हैं हम लोग कलेक्शन दोस्तों। और एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, मतलब मैं रोज जैसा वीडियो देते हैं मतलब पहले वैसे ही मैं वीडियो दूंगा दुर्गा पूजा का बाद। मैं कोशिश करूंगा, मतलब एक शर्त है कि आप लोग ये वीडियो में प्लीज 3K अगर कर देंगे तो सब्सक्राइबर मतलब 40K जब हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब डेली बेसिस में फार्म का वीडियो आएगा। ओके, डेली बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। ओके, पहले आता था हर रोज हाँ। एकदम तो 3K अगर होगा तो मैं करूंगा, मतलब ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो है मेरा ये चैनल में, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग करेंगे तो मैं करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का ही फायदा है, मतलब फार्म में जाके सब कुछ दिखाऊंगा, आप लोगों का ही फायदा है, मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग मछली पालते हैं घर में, बहुत कम प्राइस में मछली दिखाऊंगा इसी चैनल में। मतलब आप लोग तो जानते ही कि मैं वीडियो कर चुके हैं पहले, तो 3K अगर हो जाएगा तो मैं करूँगा। ओके, उनका पास से जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो लोकेशन, सब कुछ थोड़ा पूछ लेते हैं। लोकेशन बताइए आपका। मैं लोकेशन है नरेंद्रपुर पड़ता है। अच्छा, तो नरेंद्रपुर 80% आदमी को नहीं पता, सोनारपुर सबको पता होता है। अच्छा, सोनारपुर से पहले स्टेशन आता है नरेंद्रपुर, तो नरेंद्रपुर स्टेशन से मेरे बगल में ही है, एकदम नरेंद्रपुर स्टेशन से आपका बगल में एकदम। अच्छा, और कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 7595967792, ये भी व्हाट्सएप भी नंबर है। ओके, आप लोग कोई भी टाइम कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आज दुर्गा पूजा का चतुर्थी है। ठीक है, तो मैं भी बोल रहा हूँ सब लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। आप लोग खुशी से रहिए, और जो लोग
बाहर से मतलब विभिन्न राज्य से आप लोग आइए। दुर्गा पूजा बंगाली का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बंगाली लोगों का इमोशन है दुर्गा पूजा। तो आप लोग आइए और देखते रहिए आज का ये वीडियो बिना स्किप करके दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टैंक देख रहे हैं आप लोग, इधर देख पा रहे हैं कि इधर अरवाना फिश है, बहुत बड़ा साइज का किंग कॉन्ग पैरोट है, सांता क्लॉस पैरोट है, और रिप्सो कैट है, और फ्लोरिडा गार्ड है एक, और पीकॉक बस भी है इधर बड़ा बड़ा साइज का, और बड़ा साइज का वो क्या बोलते हैं, डॉलर फिश भी है। तो मैं कैमरा सामने लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ साइज वगैरह सब कुछ। ये देखिए सबसे पहले ये जो मछली किंग कॉन्ग पैरोट, राइट, योलो किंग कॉन्ग पैरोट है ये सामने वाला। तो ये इंच क्या है, ये आपका है अप्रोक्स 6.5 to 7 इंच। ओके, ये देखिए सब किंग कॉन्ग पैरोट का स्टॉक नया आए हैं उनका पास। सेंटा क्लॉस ये देखिए बड़ा साइज का, कितना बड़ा साइज का सेंटा क्लॉस पैरोट है देखिए, वो देखिए लाल और व्हाइट कॉम्बिनेशन में वो वाला भी दो पीस वो है सेंटा। ये देखिए सामने आ गए सेंटा क्लॉस पैरोट है ये वाला, और इधर देखिए बड़ा साइज का अरवाना है, अरवाना का नाम बताइए, एल्विनो रेड आई अरवाना। ये देखिए फ्लोरिडा गार है सामने वाला, क्या बढ़िया लग रहा है देखिए। इंच क्या है, साइज क्या है, अप्रोक्स 22 to 22 इंच। ओके, और ये मोनोकुलस, नहीं मोनोकुलस पीछे वाला जो अजूल हाँ, दो टाइप का ही है यहाँ पर, ओनली मोनोकुलस एंड अजूल। अजूल कैसे पता चल जाएगा ये मोनोकुलस या अजूल? मोनोकुलस का जैसे देखिए डॉट समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, ये है मोनोकुलस, ये सामने वाला मोनोकुलस। अच्छा, और अजूल उसका पीछे वाला जो लंबा लंबा, हाँ हाँ हाँ, वो अजूल थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट उसका बॉडी में लंबा लंबा स्ट्राइप है, इसका बॉडी में गोल गोल स्ट्राइप, और येलो भी है। हाँ, ये येलो है, थोड़ा ब्लैकिश है, वो ब्लैकिश है, ऐसे ही पता चल जाएगा। ओके, और इधर जो ये जो मछली है इसका नाम बताओ। इधर डॉलर है, डॉलर बड़ा साइज में है, और रिप्सो कैट भी है। रिप्सो कैट भी है दोस्तों, ये देखिए बड़ा बड़ा साइज का रिप्सो कैट। सब सभी जो मछली दिखा रहे हैं आप, ये सब मछली सेलिंग के लिए है तो ना? सब सेलिंग है, सब सेलिंग के लिए है। रिप्सो कैट भी सर निकाल के दिखाया है ना, जब तक खाना नहीं दीजिएगा बाहर निकलेगा नहीं। अच्छा, पहले तो खाना देगा उसको बाहर निकालने के लिए, जबरदस्त कैसे निकलेगा, 2 सेकंड निकलेगा। ये देखिए खाना डाल दिया, खाना का नाम बताओ विष्टुदा। ये आपका नॉर्मल सिंकिंग एक्सेल खाना है, सिंकिंग एक्सेल, ये वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फूड। ये देखिए खाना डाल दिया उन्होंने, 2 सेकंड कैमरा पकड़ा, अभी जैसे निकलेगा जैसे। अच्छा, इसका रिप्सो कैटफिश बहुत ज्यादा ना मतलब शाही होता है, हाँ, तो ये लोग ज्यादा बाहर निकलता नहीं है। अच्छा, मूव कर रहे हो बाहर जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया, ये देखिए खाना भी खा रहा है, ये वाला है रिप सॉकेट। सब निकलेगा, वो जितना है ना सब निकलेगा। उन लोगों को पता चल गया कि खाना दे दिया। एकदम। अच्छा, इधर कोई भी मछली का क्या प्राइस की मेंशन होगा ना? नहीं होगा मेंशन, मतलब आपको कौन सा फिश का, तो भी मैं एक तो एप्रोक्स बता पाएगा। एप्रोक्स वो बताइए, वो जो सांता क्लॉस पैरोट का, सांता क्लॉस पैरोट दो साइज का अवेलेबल है हम लोग के पास, 3.5 to 9 इंच तक अवेलेबल है। अच्छा, 3.5 इंच जो है उसका एप्रोक्स प्राइस स्टार्टिंग है 1400 से स्टार्टिंग। अभी वो 9 इंच का भी, 9 इंच का थोड़ा प्राइस हाई होता है, बिकॉज एक मछली 3 इंच से 9 इंच जाने के लिए बहुत बड़ा लंबा जर्नी होता है, इसलिए आदमी से 3 इंच का 1400 भाई, तो पकड़ लो आप एक 9 इंच का मछली का कितना होगा, आप मैक्सिमम सोचोगे कितना, 4000 रुपया, वो 4000-5000 नहीं होता, क्योंकि ये सब मछली बहुत स्लो ग्रोथ होता है। अब एक मछली 9 इंच होने के लिए 1 से 2 साल लगता है मैक्सिमम 1 से 2 साल, तो उसका दाम उस जो आप 1400 सोच रहे हो या 3000 सोच रहे हो, उसका डबल का डबल हो सकता है। तो ठीक है, हम अभी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है देखिए। खाना डालिए कुछ थोड़ा अच्छा लगने के लिए, देखिए आप खाना डाल दिया है, देखिए क्या लग रहा है देखिए आप लोग। इंच क्या है बताइए थोड़ा, 2-3 वैरायटीज का जियोफेगस है। ये है आपका रेड हेड टोपाजो, हाँ, ये बड़ा वाला है एल्टीफ्रॉन्स, जियोफेगस एल्टीफ्रॉन्स, यहाँ पे है सुरिनामेंसिस छोटा साइज में, सुरिनामेंसिस जियोफेगस का, जियोफेगस सब बहुत पे 5-6 वैरायटी है जियोफेगस, सुरिनामेंसिस, और उसके बाद आपका ये रेड हम्प, रेड हम्प। अच्छा अच्छा, इसका सर का ऊपर एक रेड कलर का है, हम्प है,
हम और एक वैरायटी है हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला। अच्छा ये वाला, गुएनाकारा। अच्छा ये नीचे वाला गुएनाकारा। चार से पांच वैरायटी टोटल जियोफेगस में है। जियोफेगस में चार से पांच वैरायटी उनका पास दोस्तों मिल जाएगा। और प्राइस थोड़ा बताइए लगभग क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है 350 से। 350 से स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा कौन सा वाला 350 थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे आपका जो है पीछे वाला दिखा रहा है आपको, दो सेकंड, ज्यादा पीस नहीं होगा। अच्छा अच्छा कमी है। अच्छा ए वाला है 350 रुपीज। मतलब ये एकदम स्टार्टिंग प्राइस है। मैक्सिमम वो अलग है। नॉर्मल पैरट है ना। अच्छा ये टाइगर पैरट है। टाइगर पैरट भी है, छोटा सांता क्लॉस पैरट भी है इसमें। जो बड़ा वाला सांता क्लॉस पैरट है उसका छोटा साइज भी इसमें है। पानी आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, पानी तो हर रोज फीडिंग में हर रोज चेंज होता है, गंदा कर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा करते हैं। क्यों, क्या होता है ना, हम लोग का यहाँ पे जगह स्पेस कम है, हम लोग थोड़ा स्टॉक में ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो 4 फीट का में 4-5 पीस मछली रखे तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पे 3 फीट का टैंक में 20-30 पीस मछली रखते हैं, तो उससे थोड़ा सा तो गंदा हो गया। मतलब स्पेस के लिए हर रोज पानी चाहिए हम लोग का, जरूरी है। अच्छा प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे 320 से स्टार्टिंग प्राइस है। नॉर्मल रेड पैरेट 320 से स्टार्टिंग प्राइस है। ओके, येलो पैरेट है 350 से स्टार्टिंग प्राइस। 350 से स्टार्टिंग प्राइस। और एक एक्सपेंसिव मछली हम नीचे देख रहे हैं कैटफिश में, जो कलकत्ता में बता नहीं सकता, हमको लगता है मेरे पास एक ही पीस है। ये है प्लैटिनम रिटल कैट। बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा कितना दिन हुआ है आए? ये मेरे पास आया तो 3 से 4 महीना हो गया। आया था 6 इंच का। अच्छा, अभी अप्रोक्स का साइज है 12 इंच का। 12 इंच का। हम नहीं बोलेगा कलकत्ता में है कि नहीं, हमको भी नहीं पता किसी का पास, बट हम नहीं देखा अभी तक। मेरे पास अभी स्टॉक में है। इसका छोटा साइज भी है जो ऊपर में फ्लोरिडा गार्ड देख रहे हो, तो इसका छोटा साइज है फ्लोरिडा गार्ड का। इसका अप्रोक्स साइज है 9-10 इंच का। 9-10 इंच। ओके, और इधर देखिए दोस्तों, डॉलर का बहुत वैरायटी आ चुका है हम लोग के पास। डॉलर रेड पाइक है, रेड पाइक है, डॉलर है, एरोनस है। एरोना का 2-3 वैरायटीज में, एरोना बहुत वैरायटीज है। यहाँ पे 2 वैरायटीज छोड़ा हुआ है। यहाँ पे डॉलर में कुछ कुछ डॉलर का नाम हम बता देता है। अच्छा बोलिए। ये होता है रेड हुक डॉलर। रेड हुक डॉलर हुक नाम है, बिकॉज इसका टेल का नीचे जो हुक रेड कलर का जो फिन निकला हुआ रहता है। अच्छा अच्छा, उसका हुक कहा जाता है। हुक कहा जाता है। ये सामने वाला और सिंगल बैंड दोस्तों, सब बड़ा बड़ा साइज का डॉलर फिश है। एल्बिनो एरोना है। अच्छा डॉलर का मिनिमम प्राइस क्या है? डॉलर का स्टार्टिंग प्राइस है 1400 रुपये। 1400 रुपया डॉलर का प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों। और रेड पाइक भी है उनका पास। रेड पाइक भी है। और हाँ बोलिए, एल्बिनो एरोना भी है यहाँ पे 12 से 12 इंच का। 12 इंच का एल्बिनो एरोना उनका पास दोस्तों मिल जाएगा। और ऑर्डर देने से हो जाएगा ना? एकदम ऑर्डर देने से हो जाएगा। इधर चले जाते हैं हम लोग। इधर देखिए, इधर जो मछली है ये भी एरोना है। हाई बैक गोल्डन एरोना। ये विद सर्टिफिकेट है। विद सर्टिफिकेट, बेस्ट फार्म कियानो फार्म का है। कियानो फार्म का। तो उसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे कैटफिश वैरायटीज है। कैटफिश दिखा लेगा इसको। अच्छा, इसको कहते हैं वेल कैटफिश। वेल कैट क्यों कहते हैं वेल कैट? बिकॉज इतना बड़ा होता है, आपको मतलब बता भी नहीं सकते। जो हम लोग को बंगाली में जो खाता है ना, समथिंग क्या बोलते हैं उसको, बोअल माछ। अच्छा अच्छा, यही उसका ही वेरियंट है। गोल्डन कलर का। ये बहुत मॉन्स्टर फिश है। आप हम इसमें उंगली डालेगा ना ऊपर आ जाएगा। जैसे देखो 2 सेकंड, इतना ज़्यादा अभी आ नहीं जाएगा, लाइट थोड़ा ऑफ है ना। लाइट ऑन है मछली का, जब फीडिंग में लाइट ऑफ करके डालता है तो संग ऊपर आ जाता है। हाँ, ऊपर आ जाता है सब। और उधर वो है वल्चर कैटफिश। वो भी वल्चर कैटफिश, वो भी मॉन्स्टर में पड़ता है। वो भी बहुत एग्रेसिव है। अच्छा, मतलब इसमें छोटा मछली डालेगा 2 मिनट लगेंगे नहीं खत्म करने के लिए। और क्या दिखाएंगे? हाँ, इधर यहाँ पे भी और एक कैटफिश है। ये भी बहुत एक्सोटिक है, एक्सपेंसिव में पड़ता है। टैग्रेनियस कैटफिश। ये भी बहुत एक्सोटिक है।
देखिए टेग्रेनियस कैटफिश, इसका भी अप्रॉक्स साइज है आपका 8 इंच का अवेलेबल है, 8 इंच का अवेलेबल है। थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए ये टैंक में हम रखा हुआ है, ये टैंक में और कुछ फिशेस नहीं है, सिर्फ यही कैट रखा हुआ है, 3-4 पीस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके साथ साथ और एक कैट है जो प्लैटिनम कैट हम कर देते ना, उसका ही छोटा साइज अवेलेबल है मेरे पास, छोटा हमको दिखा रहा है, देखो ये देखिए, ये हाइडिंग प्लेस चाहिए ना, हाँ इसको थोड़ा हाइडिंग प्लेस चाहिए, हम लोग नीचे चले जाते हैं। इधर देखिए रेडटेल कैट फिश है इधर, और इधर देखिए बड़ा साइज का आयरन है, उस सर्टिफिकेट कियानु पार्टी जी है, कोई यहाँ पे कोई लाइट यूज नहीं हुआ, नॉर्मल प्लेन लाइट में वीडियो बना रहा है आकाश भाई, तो एक्स्ट्रा कुछ लाइट ऐड नहीं है, कुछ टैनिंग लाइट कुछ वगैरह कुछ हम लोग ऐड नहीं किया है। हाँ ये रेडटेल कैट है, इसका भी अप्रोक्स साइज है 9-10 इंच का है। यहाँ पे कोई भी फिशेज आपको पसंद आता है ना तो उसका स्क्रीन शॉट लेके हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड इसके साथ और एक फिश है लंग फिश, इतना हर टाइम छोटा देखा था, इस बार बहुत बड़ा लंग फिश हम दिखा रहे हैं, ये देखिए लंग फिश। तो इसका अप्रोक्स साइज है लंग फिश का 18 इंच, 18 इंच का लंग फिश है देखिए आप लोग, बहुत बड़ा लंग फिश है इस बार आया मेरे पास, ये देखिए उधर देखिए उसे टेल जरा फोल्ड किया हुआ है, हाँ इतना बड़ा साइज है देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, डोराडो ये भी मॉन्स्टर में ही है, बहुत एग्रेसिव मॉन्स्टर में पड़ता है। एंड उसके साथ फ्लैग टेल रेड टेल जाइंट गोरामी, ये फ्लैग टेल है, एप्रोक्स साइज 6 इंच का है, फ्लैग टेल है ना, हाँ रेड फ्लैग टेल है, रेड फ्लैग टेल देखिए, ये देखिए कलर लिटिल बिट डाउन है क्योंकि थोड़ा ये ना हम लोग यहाँ पे हर रोज देखो हर एक फिश एक साथ है, अभी आपका टैंक में जब सेपरेट पड़ेगा ना तो उसका कलर ऑब्वियसली अच्छा, रेड फ्लैग टेल एक प्रॉब्लम क्या होता है कस्टमर जब वीडियो भेजते हैं, फ्लैग टेल दो टाइप होते हैं, अमेरिकन फ्लैग टेल रेड फ्लैग टेल, अमेरिकन फ्लैग टेल का क्या होता है टेल कलर रेड नहीं होता है, अच्छा कभी कभी हम लोग के रेड फ्लैग टेल है तो कस्टमर का वीडियो भेजते क्या होता है कलर थोड़ा डाउन है, यहाँ पे आप देख सकते हो आकाश भाई, तो बोलते भाई ये तो अमेरिकन फ्लैग टेल, नहीं भाई अमेरिकन फ्लैग टेल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत फीसद एक साथ रहता है, ये उसको मारता है वो उसको मारता है, तो स्ट्रेस में थोड़ा कलर डाउन होता है, तो ये हम लोग जो चीज़ बोल के देगा वही चीज़ होगा आपको। तो ये गया रेड फ्लैग टेल का पार्ट, हाई बैग है एक, तो हाई बैग है ये भी क्या अनुभव है, क्या अनुभव था ऊपर, और भी एक एग्जॉटिक फिश आ चुका है, दे दे पफर फिश, पफर फिश है ये, पफर फिश है ये, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, खाता रहता है पड़ा रहता है, अब जो मांगेगा ना कि मेरा टैंक में टैंक घूम क्यों नहीं रहा है उसके लिए ये फिश नहीं है, जिसको पता है पफर फिश क्या है वही खरीदेगा इसको, एमबीयू पफर कहते हैं इसको। अच्छा तो इधर देखिए, इधर और एक रूम में आ गए हम बिस्टुदा का, वो भी रूम में बहुत सारे मछली रखते हैं, इधर देखिए कितना, ये भी सेंटा क्लॉज पैरेट ही है, ये भी बड़ा साइज का ही है, बड़ा साइज का सेंटा क्लॉज पैरेट देखिए, एकदम पीछे रेड एंड व्हाइट कलर का, ये देखिए ये है सेंटा क्लॉज पैरट, इसका अप्रोक्स साइज है 8-9 इंच, 8-9 इंच साइज का पैरट है, हाँ एक पीस एंड दो पीस उधर, हाँ इधर दो पीस है, वो घर में था वो पे दो तीन पीस था, दो तीन पीस था, ये देखिए, और इधर देखिए इधर छोटा पीकॉक बस का वैरायटी है, प्राइस क्या गिरेगा छोटा का, छोटा यहाँ पे मोनोक्लस है, वहाँ पे सबसे मोनोक्लस अजुल दोनों वैरायटी है, यहाँ छोटा मोनोक्लस जो 1200 का है, 1200 पीस का स्टार्टिंग है, एंड अजुल जो है यहाँ पे छोटा 2200 का स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा अरवाना का आपका पास, अरवाना का आपका पास एकदम मिनिमम प्राइस कितना से शुरू, अभी मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है विद सर्टिफिकेट देके 9500 से, 9500 से विद सर्टिफिकेट, उसका नाम बताइए, बंजारे अरवाना है, क्या अनुभव का, क्या अनुभव का विद सर्टिफिकेट, विद सर्टिफिकेट, और एक वैरायटी देखिए, एक बहुत वैरायटी आ, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा था कब वीडियो बनाने के आऊंगा, रुकिए आप लोग एकदम, ये देखिए शॉर्ट बॉडी वेल टेल टिम्फल, सॉरी टिम्फल बार भी है इसमें शॉर्ट बॉडी, एंड अब इसमें मिल्की भी है, मिल्की शॉर्ट बॉडी बटरफ्लाई कोई भी है, शॉर्ट बॉडी बटरफ्लाई यूट्यूब में बहुत फेमस है इसका वीडियो, तो अभी छोटा है तो इसलिए वेल ऐसा जितना बड़ा होगा उसका मुंह और भी उतना अच्छा होता है, ये देखिए ये शायद आप लोग देख के बोलेंगे कि ये राइकिन फिश है, ये राइकिन नहीं है, ये है दोस्तों टिम्फल बार्ब, ठीक है शॉर्ट बॉडी टीन फाइल भाई, देखिए सामने आ रहा है, ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, देखिए सब सेलिंग के लिए है तो ना, सब सेलिंग का है, सब सेलिंग महंगा तो है ही ऑब्वियसली, और इसमें शॉर्ट बॉडी कोई भी है, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल, शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल, हां शॉर्ट बॉडी शॉर्ट टेल कोई, हां उनका भी मांगता है भाई टेल दो शॉर्ट टेल दो, इस बार इसलिए शॉर्ट टेल शॉर्ट बॉडी लेके आ गया, उनका पास न्यू वैरायटी न्यू यूनिक कलेक्शन उनका पास आए हैं, जिसको चाहिए ऑर्डर कीजिए आप लोग।
ओके, तो इधर चले जाते हैं हम लोग। इधर देखिए, इधर डुबोसी बुरुंडी है ना। हाँ बुरुंडी भी है, यहाँ पे टैंगानिका सिकलेट, टैंगानिका सिकलेट का वेराइटी है उनका। ये टैंक में बहुत सारे सिकलेट फिश है, ये देखिए खाना भी डाल दिया इसका अंदर में और खाना भी खा रहा है। बहुत एक्टिव मछली है और आप लोग फ्रेश वाटर मरीन फिश, फ्रेश वाटर मरीन फिश का ऊपर है और इओलो एंड ब्लैक का ऊपर उसका नाम बताइए। इसका नाम है इओलो बैंड डुबोसी। इओलो बैंड डुबोसी, ऐसा कलर देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, पर मरीन फिश का जैसा, मरीन फिश का एकदम सही बोला है आप। और ये छोटा वाला एकदम, ये भी छोटा, बहुत वैरायटी है इसका, नाम है एल्बिनो बिचर्डी। एल्बिनो बिचर्डी। और ये वाला जुलुडी क्रॉमिक, जुलुडी क्रॉमिक। इतना सारा नाम क्यों याद है? मतलब देखो हर रोज हम लोग को कॉल में फोन आता है तो आदत पड़ गया सुन सुन के या बोल बोल के, तो याद रहता है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है। और क्या है इधर? यहाँ पे जुलुडी क्रॉमिक का दो तीन वैरायटी है, एक वैरायटी है ब्लैक के ऊपर, ब्लैक का ऊपर, ब्लैक के ऊपर नीचे और एक वैरायटी है येलो का ऊपर, येलो का ऊपर। हाँ तो इसका दो तीन वैरायटी है, उसके बाद दुबुसी का दो तीन वैरायटी इसमें है। ऐसा ये है येलो बैंड दुबुसी दिखाया आपको, येलो बैंड दुबुसी। हाँ तो उसके साथ साथ और एक है, ये है आपका येलो फायरफॉक्स, येलो फायरफॉक्स, येलो फायरफॉक्स, येलो फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। उसके बाद आपका उधर ये है कैलवस, ये वाला। हाँ ये कैलवस है, कैलवस, गोल्डन कैलवस। हाँ गोल्डन कैलवस। प्राइस क्या है इधर, महंगा है क्या? नहीं ये महंगा नहीं पड़ता, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस पड़ता है आपका 350 से 450 का अंदर, 350 से 450 का स्टार्टिंग प्राइस पड़ता है। थोड़ा कम ही है, कम ही है। और इसके लिए हाइडिंग प्लेस भी चाहिए, हाइडिंग प्लेस ऑब्वियसली चाहिए। अरे वेजिटेबल फूड खाता है, वेजिटेबल फूड खाता है, आपका जो फ्रिज होता है वो खाना ही खाता है और कुछ नहीं खाएगा। अच्छा ओके ठीक है। उसके साथ और एक फिश दिखाएगा, पफर फिश। ओ देखिए दोस्तों पफर फिश। हाँ फिश एक पफर फिश दिखाने वाला है, बहुत एक्सोटिक पफर फिश में है। देखिए पफर फिश, इसका नाम है फाहका पफर का, फाहका पफर, फाहका, फाहका पफर, पफर फिश। हाँ ये देखिए फाहका पफर, सेलिंग के लिए है, सब सेलिंग का है। उधर भी है एक तो, ये देखिए क्या लग रहा है, देखिए एकदम शांत मछली है। जापान में ये सब मछली को खाते हैं? हमको नहीं पता भाई। हाँ खाते हैं। और उधर देखिए ये स्नेकेट का वैरायटी है, इस साइड सर लाइट नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए स्नेकेट है। हाँ सब स्नेक का वैरायटी है उसमें, स्नेकेट का वैरायटी है। और इधर चले आते हैं हम लोग, इधर देखिए इधर मछली, ये सब मछली का नाम है डॉलर है, डॉलर वैरायटी जो रूम में देखा था बड़ा साइज का, उसका ही छोटा साइज। अच्छा डॉलर का डिमांड का ज्यादा है क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरे पास रहता है हर टाइम छोटा बड़ा दो साइज ही, कस्टमर लोग मांगते रहते हैं भाई, किसी तो बड़ा एफोर्ड नहीं कर पाता है तो किसी को छोटा भी चाहिए होता है, इसीलिए छोटा रखते हैं। ओके उसके साथ नीचे आ जाएगा, नीचे मछली जो है बहुत ही एग्रेसिव मछली है, प्लैटिनम एलिगेटर का, प्लैटिनम एलिगेटर, एलिगेटर गार, एलिगेटर नॉर्मल गार तो हटा है, पहले भी प्लैटिनम गार आप लोग देखा मेरे स्टॉक पे, ए साइज का नहीं देखा है। ये देखिए प्लैटिनम एलिगेटर, इसका अप्रोक्स साइज है 2 फीट, 2 फीट का। हाँ 2 फीट का, ये वाला 2 फीट का है लेफ्ट साइड वाला। हाँ राइट साइड वाला वो वाला 20 इंच का में भी होगा, 20 इंच। अच्छा 2 फीट का थोड़ा कम। हाँ 2 फीट से थोड़ा कम, सेलिंग के लिए। हाँ दोनों ही सेलिंग के, हटाओ सेल करके। बहुत ही अच्छा है देखिए। और यहाँ पे आ जाता है कैटफिश का वैरायटीज में, ए वाला का नाम बताओ। इसका नाम है हाइब्रिड सोवेलनोस कैटफिश। अच्छा सोवेलनोस कैट, सोवेलनोस कैट, बड़ा हाइब्रिड सोवेलनोस कैट। इसका कलर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बॉडी में डॉटेड 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 भरा हुआ है। अच्छा हाँ ये हाइब्रिड सोवेलनोस कैटफिश। आप पे नॉर्मल सोवेलनोस कैटफिश भी है। नॉर्मल का प्राइस क्या गिरेगा आपका पास? नॉर्मल सोवेलनोस कैटफिश अभी जो साइज का है 9 to 10 inch का 2000 से 2200 रुपये सिंगल पीस पड़ेगा, 2000 से 1200 रुपये। चला गया उधर, भाग गया। देखिए दोस्तों और एक रूम में आ गए हम, इस रूम में बहुत सारे मछली है, जैसे कि इधर देखिए, इधर ये जो मछली है इसका नाम रेड मैमन, रेड मैमन, मैमन। अच्छा बहुत देखने से इधर पाचन रहता है। अच्छा और ये वाला ये किंग कॉन्ग पैरट, किंग कॉन्ग पैरट देखिए कितना बड़ा साइज का,
ये सारे हैं किंग कॉन्ग पैरट फिश। इधर एक दो तीन चार पांच पीस है, पांच पीस इधर किंग कॉन्ग पैरट फिश सेलिंग के लिए है, सब सेलिंग पे। अच्छा ये देखिए सारे के सारे, इंच क्या है बताओ? यहाँ पे एक्वा 6.5 टू 7 इंच का है, सब एकदम ए ग्रेड क्वालिटी का है, टॉप ए ग्रेड क्वालिटी का। और ये देखिए एरोना है, यहाँ पे गोल्डन ब्लू बेस, ब्लू बेस, गोल्डन ब्लू बेस। और उधर कुछ रिप्सा कैटफिश है, रिप्सा का सेमी है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो इस बार अच्छा हम पहले किंग कॉन्ग कर रहा जायंट गुरामी है ना? हाँ जायंट गुरामी, जायंट गुरामी फिश है। इधर इधर देखिए रॉयल नाइफ है, कितना बड़ा साइज का रॉयल नाइफ देखिए। और उसका नीचे ये वाला ये रॉयल नाइफ है, ऊपर वाला क्लाउन नाइफ है, क्लाउन नाइफ, क्लाउन नाइफ, और नीचे वाला रॉयल नाइफ है। और ये देखिए रेड टेल कैटफिश है, सब बड़ा बड़ा साइज का मछली रखते है, सब बहुत अमीर आदमी है। ये देखिए जायंट गुरामी, सारे के सारे मछली तो सेलिंग के लिए है, सब सेलिंग, सब सेलिंग के लिए है। तो इसका जो अरवाना का प्राइस नाम बताओ? और सिल्वर अरवाना है, इसका साइज अप्रोक्सिमेट 2 फीट का है, 2 फीट का, 2 फीट का। अच्छा 2 फीट का अरवाना है। और ये वाला ये है वीजा सिकले, वीजा सिकले, वीजा सिकले है अच्छा। और वो है आबा आबा फिश, वो देखिए आबा आबा फिश, इधर से कम्युनिटी टैंक में डाल दिया, कम्युनिटी टैंक में, सिंगल टैंक में खाओ। अच्छा तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा एक कमेंट से, और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिल जाएगा बाद में। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर जरूर बताइए आप लोग, क्योंकि एक कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलते, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट करने के लिए। और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में दिया हुआ है, आप लोग कॉल करिए, कॉलिंग टाइम पूछे और नहीं कोई बात नहीं, कोई भी टाइम कर सकते, ज़्यादा रात को मत करो। अच्छा। जिनमें पगलों कभी कॉल किए फ़ोन नहीं उठाया है, तो व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके छोड़ दो, हम फ्री होकर चेक कर लेंगे। अच्छा तो ऐसा ही बात है और कुछ नहीं है उनके लिए, मतलब कोई एटीट्यूड वगैरह उनका कुछ नहीं है, ठीक है? बहुत बिजी रहता है, आप लोग आके ही शायद देख लेंगे क्या बिजी है ना नहीं है। तो मैं उनका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब यही सही है कि उन्होंने बिजी रहता है हर रोज़, ठीक है? इसीलिए फ़ोन नहीं उठाता है, मतलब कोई कोई टाइम में भी मैसेज का भी कोई नहीं रिप्लाई देते, मतलब देते होता है, होता है। हाँ। रात को 80% सब रिप्लाई करता है रात को बैठ के, कभी कभी आपको नहीं बगल फ़ोन नहीं उठा रहा है तो नॉर्मल कॉल छोड़ के व्हाट्सअप पे कॉल करो, मैं व्हाट्सअप में ज़्यादा से ऑनलाइन रहता हूँ, तो वहाँ पे कॉल करो, हम वहाँ पे जल्दी जो भी प्रॉब्लम है जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है तो अगर डिटेल्स हो जाएगा। ओके तो आज के लिए बाय, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं नया वीडियो पाने के लिए। तो मैं तो वही बोल दिया इंट्रो पार्ट में, अगर ये वीडियो में 3K सब्सक्राइबर आ जाएगा तो मैं कंटिन्यू हर रोज़ वीडियो दूंगा इसी चैनल में, आप लोगों का ही फायदा होगा, मतलब सब्सक्राइबर से मेरा कोई भी पैसा नहीं इनकम होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। सब्सक्राइबर से क्या होगा, सब्सक्राइबर से अवार्ड मिलेगा, प्ले बटन आएगा, ठीक है? मेरा भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मेरा पिता माता भी खुश होंगे, मतलब कभी भी तो मैं कोई भी अवार्ड नहीं मिला है ना कहीं से, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को तो पता ही है व्यूअर्स से पैसा मिलता है, तो यूट्यूब तो बहुत ही नुकसान कर रहा है अभी, व्यू में भी अभी पैसा नहीं दे रहा है यूट्यूब, बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में अभी यूट्यूब में काम कर रहा है, तो मेरे को मैं दूसरा काम में बिजी हूँ, इसीलिए वीडियो ठीक ठाक से नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप लोग करेंगे तो। और वीडियो में भी बोल रहा हूँ वीडियो रोज आएगा आएगा आएगा, तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशी से रहिए, विष्णुदा स्वस्थ रहिए, ऑब्वियसली हर कोई तुम लोग भी अच्छा हो। ओके तो ठीक है, बाय।